सो अब हम देखेंगे कि और कौन से हमारे पास जो स्टेप्स हैं जो वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ मल्टीवेरिएट रिग्रेशन. सो द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो एरर रेट को मेजर करता है बिटवीन ग्राउंड ट्रूथ एंड द प्रेडिक्टेड लेबल. ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ क्या है, जैसे कि हमारे पास डेटा है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल जिसमें हमारे पास कुछ हाउसेस के फीचर्स हैं और उनकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं. ठीक, प्रेडिक्टेड सॉरी ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज हैं उनकी, हमें पता है कि ये इनकी आउटकम है कि इफ देयर आर 2600 अगर एरिया है, 3 बेडरूम्स हैं, एज 20 है, तो उसकी कीमत जो है वो मकान की 550,000 है. ठीक है, तो जो प्राइस है हमारे पास ये वाई ट्रू, जिसे हम मैं इधर वाई ट्रू के साथ मेंशन करूंगी. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू. लेकिन जब हम ये फीचर्स अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को देंगे और वो हमें आउटपुट में कोई वैल्यू बताएगा, वो हमारी होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू, वाई प्रिडिक्टेड. ठीक है, हमारा मॉडल ऑप्टिमाइज्ड या बेस्ट मॉडल कब होगा, जब हमारी वाई प्रिडिक्टेड यानी कि जो हमारे मॉडल जो वैल्यू मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है और जो हमारी ट्रू वैल्यू है उनके दरमियान में एरर बहुत कम हो. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मॉडल एक ऑप्टिमाइज्ड या बेस्ट मॉडल होगा. तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली वो परफॉर्मेंस मेजर है जो कि ये बताता है कि हमारा मॉडल अच्छा है या बुरा है. ठीक है, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, कि हम क्या करते थे मशीन लर्निंग में, हमने पढ़ा था कि हमने किसी भी टास्क के ऊपर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट लानी है एक परफॉर्मेंस मेजर को देखते हैं. तो जो हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन है वो बेसिकली एक परफॉर्मेंस मेजर है जो हमें बताएगा कि हमारे ग्राउंड ट्रूथ और प्रेडिक्टेड लेबल में क्या फ़र्क है. ठीक है, और हमें हेल्प करता है कोफिशिएंट्स को अपडेट करने में. अब कोफिशिएंट्स हमारे पास कौन से हैं, M1, M2 एंड M3. ठीक है, सबसे पहले जब हमने अपने मॉडल को ये हमने इक्वेशन बनानी थी y, ये वाली y इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2 M3 X3 एंड इनिशियली जो हमारे पास वैल्यूज होंगी M1 की, M2 की एंड M3 की, वो हमारे पास कोई जिसे हम उसे इनिशियलाइज करेंगे या कोई भी रैंडम वैल्यू जो भी हमने सेट चूज किया उसकी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी. ठीक है, अब उसके ऊपर हम चेक करेंगे एक्स अपने फीचर्स को इनपुट करके कि हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है. ठीक है, अगर तो वो आउटपुट हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमने प्रिडिक्ट की है और जो हमारे ग्राउंड ट्रूथ हैं उनका एरर रेट बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि जो हमने ये पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं, ये जो कोफिशिएंट्स M1, M2 एंड M3 हैं, दीज आर फाइन. ठीक है, लेकिन अगर हमारी आउटपुट वैल्यू जो हमने प्रिडिक्ट किया और जो हमारा ग्राउंड ट्रूथ है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो दैट मीन्स कि हमारे जो ये पैरामीटर्स हैं ये ठीक नहीं है, वी नीड टू अपडेट दोज पैरामीटर्स. तो अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि जो हमारा परफॉर्मेंस मेजर है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, वो हमें बता रहा है कि हाउ गुड वी आर. ठीक है, हमारे पास जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो कितने अच्छे हैं और हमें ये कितने बुरे हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कॉस्ट फंक्शन डज. ठीक है, और ये सब कैसे करता है, ये हम आगे हमारे सबसीक्वेंट लेक्चर्स आएंगे उनमें हम इसको डिटेल से देखेंगे. अभी के लिए आपके लिए इतना आइडिया लेना ही काफ़ी है कि कॉस्ट फंक्शन यूज़ किस लिए होता है. इट मेजर्स द एरर रेट बिटवीन ग्राउंड ट्रूथ एंड प्रेडिक्ट लेबल एंड अपडेट्स द कोफिशिएंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एरर, यानी कि जो पिछले कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं इनको ये अपडेट करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव गॉट एज एन एरर रेट. ओके, सो हमने पहले इधर बेडरूम में जो मंडल वैल्यू थी वहाँ पे 3 कर दिया था. तो अब वी विल सी कि हमारे पास बेसिकली फीचर्स क्या हैं और हमारे पास फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन. ये हमारा मल्टी वेरिएट रिग्रेशन मॉडल है, वो बेसिकली करता क्या है.
तो हम इसको F1 का नाम देते हैं, लेट्स से F2। सो सो वी हैव दीज फीचर्स F1, F2, F3, एंड सॉरी दिस इज आर प्रिडिक्टेड वैल्यू y। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमने पहले देखी है, अब इसमें हमारा x1, हम इसको रो को नंबर्स देते हैं 1, 5। ठीक है, सो फॉर अ रो, और हम इसको डोनेट करेंगे हर रो को विद कैपिटल x। ठीक है, कैपिटल x सबस्क्रिप्ट में आई एम एडिंग हेयर 2, यानी कि जो सेकेंड रो है उसके पास हमारा फीचर वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, F1 हमारे पास है 3000। ठीक है, नंबर ऑफ बेडरूम्स वी हैव 4 एंड एज ऑफ द हाउसेस 15। ठीक है, ये हमारे पास X2 का फीचर वेक्टर। ठीक है, और अब हमने इसकी प्रिडिक्ट करनी है वाई वैल्यू। ठीक है, वाई हमारे पास एक आउटपुट में आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इक्वेशन अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, फॉर नाउ आई विल जस्ट पुट हियर फीचर वैल्यूज, इसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हमने क्या रखनी है। ठीक है, 4 एंड हियर वी हैव 15। इधर हम एक फीचर रखेंगे m1, सॉरी कोफिशिएंट होगा m1, m2 एंड m3। मैंने कोई इनिशियलाइज नहीं किया कुछ वैल्यू से, जो मैंने यहाँ पे m1 की वैल्यू रखी 0.1। होगा m2 की वैल्यू रखी मैंने 0.01, इसे मल्टीप्लाई किया, और m3 की वैल्यू मैंने रख दी 0.001, और इसे भी इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हेयर वी हैव अब 22, हम इन 22 की वैल्यू, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू भी ऐड करेंगे। इंटरसेप्ट बेसिकली शिफ्ट्स आर इक्वेशन, ये आपने लीनियर अलजेब्रा में या बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो हम देखते आए हैं अभी तक बचपन से अब तक, y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, सो जो c है वो हमारा y इंटरसेप्ट है, और उसे हमने यहाँ पे d से डोनेट किया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव सेट इट टू द 10। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनती है फॉर कॉलम x2। तो जो हमारी यहाँ पे y की आउटपुट आएगी, ठीक है, इसे आप कंप्यूट भी करके देख सकते हैं, ऑब्वियसली अभी तो बहुत कम होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, वो जो यहाँ से हमारे पास वाई की आउटपुट आएगी, वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है, उसमें, और ये जो हमारी एक्चुअल वाई की वैल्यू है इसमें हम डिफरेंस देखेंगे इन ऑर्डर टू चेक आर एरर रेट, यानी कि हमारा जो एरर होगा वो बेसिकली होगा वाई टू माइनस वाई प्रिडिक्टेड। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज हाउ वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वाई। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।